इस मॉडल को जब गलत सिद्ध हो गया इनका मॉडल डिजिटल फंक्शन का मॉडल, इसके बाद में आया कौन सा मॉडल? तो इसमें दो चीजें हैं कि इन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जब डिस्कवरी हो गई तो देखा गया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने तुलना किया सोलर सिस्टम से कि प्लैनेट है, प्लैनेट में देखा गया कि जितने भी प्लैनेट है स्टार जो है सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं थोड़ा सा। उसी प्रकार देखा कि न्यूक्लियर मॉडल नाम दिया गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ जो है कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन किसके? न्यूक्लियस। तो अब इसके दो नाम हो गए, न्यूक्लियर मॉडल अपना एटम और सोलर सिस्टम मॉडल, ये दोनों मॉडल किसके दिए गए हैं? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया है, प्रोटॉन के डिस्कवरी की क्रेडिट भी उनको मिली है। प्रोटॉन के डिस्कवरी की क्रेडिट किसको मिली है? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की प्रॉपर्टी का अध्ययन किया था और इसके अकॉर्डिंग जो है रदरफोर्ड को माना जाता है कि डिस्कवर किया किसको? प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन को किसको मिला था? इलेक्ट्रॉन को खोजे थे यही थॉमसन, इलेक्ट्रॉन को खोजे अपना मॉडल दिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये प्रोटॉन को खोजे और न्यूक्लियस को खोजे। रदरफोर्ड ने दो चीज खोजा, प्रोटॉन और न्यूक्लियस। गोल्ड स्ट्रीम जो है इसको खोजे थे, प्रोटॉन को नहीं, ग्रुप ऑफ प्रोटॉन उसको एनोड रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड रेस। एनोड रेज और प्रोटॉन में इतना अंतर है कि प्रोटॉनों के समूह को एनोड रेज कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनों के समूह को कैथोड रेज कहा जाता है। इज इट क्लियर? इसमें किसको कोई दिक्कत? फिर हम लोग देखते हैं कि ये मामला कैसे गड़बड़ हुआ, किसका? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने दो इम्पोर्टेंट काम किया, एक तो प्रोटॉन की डिस्कवरी, दूसरा न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो प्रोटॉन की जब डिस्कवरी हुई और न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन्होंने कैसे किया था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जिसमें उनको तीन रिजल्ट मिले थे, एक दो तीन, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, उसका मतलब का ढेर सारा पार्टिकल कटी है। दूसरा, बहुत सारे कुछ अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हो गए न्यूक्लियस से, इसका मतलब सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करता है। तीसरा, लगभग 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल गया और वो रिएक्शन होकर वापस आ गया, इसका मतलब न्यूक्लियस इज वेरी टेंस। न्यूक्लियस इज वेरी, आपकी जानकारी के लोग बता दें, आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है, ये मानिए पूरा आइटम है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की तुलना में लगभग 1,00,000 गुना बड़ा होता है आइटम। मतलब न्यूक्लियस कितना छोटा है इसकी तुलना आप कर लें कि इसकी तुलना में लगभग 1,000 गुना बड़ा होता है एटम। ठीक है, मास अगर देख लिया जाए तो मास इतना कम रिलेशन निकले इलेक्ट्रॉन का, जो प्रोटॉन का मास होता है एक मान लें 1/1837 इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और आगे चल के आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैटर और एनर्जी दोनों का बिहेवियर दिखाता है, मतलब वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके बाद दोहरा कैरेक्टर है। यहाँ पे हमको देखना था कि सबसे पहले कार्बन का मॉडल आया इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के बाद, उन्होंने कहा कि प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज में जिस तरह के सीड होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन एटम में होते हैं। रदरफोर्ड जो है उसको गलत कर दिया गया, कब सिद्ध हुआ गलत? जब डिस्कवरी हुई किसकी? प्रोटॉन और न्यूक्लियस की। तो इन्होंने अपना मॉडल दिया, कौन सा मॉडल है? न्यूक्लियर मॉडल और सोलर सिस्टम मॉडल। इसके बाद में आ गया बोहर मॉडल। बोहर ने क्या कहा? बोहर मॉडल आया क्यों?
इसी में अगर क्लार्क मैक्सवेल उनकी जो है मैट्रिक थ्योरी है उसमें ये कहा गया है कि अगर ऐसे आइटम है, ये आइटम है, आइटम पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जो कि प्रोटॉन यहीं पर है, यहाँ बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उन्होंने कहा कुछ चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसकी एनर्जी लगातार कम होती है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल चलेगा तो उससे दो फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे चलते 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 ऐसा एक समय आएगा जब लगातार इसकी एनर्जी कम होगी तो न्यूक्लियस में ये पांचों न्यूक्लियस आपस में टच कर जाएंगे, इसे प्लस माइनस, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो आइटम अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, जबकि आपको ऐसा नहीं होता है, तो इसको समझाने में फेल रहा रदरफोर्ड का मॉडल, एटम की स्टेबिलिटी को समझाने में फेल रहा। और भी बहुत इफेक्ट है, आप लोग नहीं जानते उसको, जैसे जीमेन इफेक्ट है, स्टार इफेक्ट है ना, ये सब बताने में ये फेल रहा। कौन सा? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। फिर बोर मॉडल आया, बोर में कहा गया इन्हीं बोर के मॉडल की देन है एक वर्ड है ऑर्बिट। ऑर्बिट वर्ड कहाँ से आया? बोर मॉडल से। कहाँ से आया? बोर मॉडल से। इसमें कहा गया जैसे सेंटर में इलेक्ट्रॉन होता है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर होते हैं, लेकिन बाहर सभी जगह नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन सभी जगह नहीं होते हैं, उसके कुछ निश्चित स्थान है, कहाँ रहेगा? एक दो तीन चार, इसको कहा गया के एल एम एन, इसी को सेल कहा गया। इसको क्या कहा गया? सेल। जो सेल है इसी को ऑर्बिट कहते हैं। सेल को क्या कहते हैं? ऑर्बिट आर सेल। इसी में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है 2n² के हिसाब से होती है, इसका मतलब अगर n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है, जैसे देखो यही है n, 1, 2, 3, 4। अगर n = 1 है तो 2 × 1² 2 हो जाएगा, 2 है तो 2 × 2² 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 3² 18 जाएगा, और यहाँ पे 2 × 4² 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ मर्जी तहाँ नहीं रहते हैं, कहाँ रहेंगे उसके लिए कुछ सर्टन कंडीशन पोजीशन है, तो सर्टन कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन उसी सेल में रहेगा जिसके लिए उसकी जो एनर्जी है एमवी क्या होता है? एमवी होता है एम और बी, इसको कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। इसी में अगर आर से बुरा कर देते हैं तो हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। क्या हो जाता है? जिस सेल में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू उसकी n h/2π के बराबर होगा उसी में इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं रहेगा। इसमें n h/2π होगा उसी में इलेक्ट्रॉन रहेगा। आइए पता करते हैं n² क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, b² वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r² रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, n = नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, यही सर है कि एक में दो में तीन में चार में। यह क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ठीक, अब 2π को जान ही रहे सभी को। इस तरह से जो बोर मॉडल है उसे बताया गया कि जिस सेल के लिए जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है mvr वो बराबर होगी n h/2π के, उसी सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा। और एक बात और है, इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में हो वो एनर्जी एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। जैसे अगर यहाँ से देखो ये हाई एनर्जी लेवल है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है,
ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ लोअर से हायर में पहुंच जाए, जंप करके आए, यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, या यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक सेल से दूसरे सेल में जंप करता है और इसी के दौरान एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।